विद्यांचल व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान CCH में प्रवेश। यह एक वर्ष का कोर्स है। एलोपैथी चिकित्सा कार्य करने हेतु संपूर्ण भारत में मान्य। संस्था का संपर्क नंबर 9926581330, दूसरा नंबर 9826521245। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ देवशंकर। मध्य प्रदेश में बाढ़ के चलते कई जिला इस समय प्रभावित चल रहे हैं। लाखों की संख्या में जनसंख्या प्रभावित चल रही है। बाढ़ के चलते लोगों के पास उनके खाने का सामान भी खत्म हो चुका है। फिलहाल शासन प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री का वितरण तो किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं उनको किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, इसके चलते टीवी वन इंडिया न्यूज की टीम ने मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का निरीक्षण किया। यहाँ पर ये देखने को मिला कि हालांकि मुरैना में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीबन 5 मीटर नीचे जा चुका है, लेकिन अभी भी वहाँ परिस्थिति जस की तस बनी हुई। लोग कीचड़ के सूखने का इंतजार कर रहे हैं और इस आस में बैठे हैं कि बारिश खत्म होगी और हमें बाढ़ से निजात मिले। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राधाकृष्णन की यह विशेष रिपोर्ट। चंबल में आई बाढ़ के कारण मुरैना के एक सैकड़ा गांव में प्रशासन की मांग पर बचाव दलों ने 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधि आज भी बाढ़ से घिरे एक दर्जन गांव के करीबन 3,000 लोगों को राहत देने के लिए नदी के रास्ते पहुंच रहे हैं। हालांकि चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 5 मीटर नीचे पहुंच गया है। मध्य प्रदेश राज्य के बचाव दल STRF के DGP भी 142 लोगों को लेकर राहत कार्य के लिए मुरैना आए थे। आज भी प्रशासन और पुलिस के 27 दल राहत सामग्री के तहत खाने का सामान, पानी, दवाइयां लेकर पानी से घिरे गांव के लोगों को वितरित कर रहे हैं। चंबल की बाढ़ से एक सैकड़ा से अधिक गांव में कहर बरपा दिया है। सैकड़ों लोगों के घरों का नामोनिशान मिट गया है, तो वहीं पशुधन भी चंबल की भेंट चढ़ गया। असहाय बेबस लोग अपने परिजनों के साथ राहत शिविर में रुके हुए हैं और एक दर्जन गांव में करीबन 3,000 से अधिक लोग पानी निकलने और कीचड़ के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। चंबल किनारे के गाँव वासियों की पूरी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। इन लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। विपरीत परिस्थितियों में दिन रात गुजार रहे हैं इन लोगों को बचाव दल सामग्री प्रदान कर राहत पहुंचा रहे हैं। चंबल की बाढ़ का सामना प्रशासन व पुलिस के राहत बचाव दलों की दम पर ही किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के ADGP के होमगार्ड भी चंबल के कहर से लोगों को बचाने के लिए 142 लोगों को अपने साथ लेकर आए और यह दल पानी से घिरे अनेक गांव में पहुंचकर लोगों को सुरक्षित निकाल कर राहत शिविरों में पहुंचाया है। ग्रामीणों को समझाइश देने के साथ साथ राहत दलों ने जोश भरने का भी काम अधिकारियों ने किया। इस कारण सुबह से लेकर देर शाम तक राहत दलों की भी जान बचाने में जुटे रहे। मेरा नाम लक्ष्मी। ये कौन सा गांव है? मलकीर। यहाँ क्या आपदा आई है? ये आपदा आई है 5-6 दिन से। पानी आयो उससे गांव डूबी गए, घेरा डूबी गए, लगाते नहीं खत्म कर दी। तो फिर बच्चे कुछ भूखे प्यासे रहे। तो कौन यहाँ, किसे आपसे, आपने किसी से मदद मांगी? यहाँ मदद मांगी तो यहाँ आए। कौन आया था? कलेक्टर आये, SP आए और कलेक्टर नहीं आए सिर्फ आए तो, और डाकदर आए। क्या मदद करके गए हैं यहाँ, क्या बांट के गए, क्या कुछ देखे गए हैं आपको? सागपुरी बांट गए हैं और खाने पीने को चून दरिया सूद धर गए, शक्कर अबूर सब जमा कर गए। और दवाई वगैरह के लिए कोई आया है क्या यहाँ? दवाई वगैरह सुगन को मणि मणन करे, डॉक्टर भी आए थे। डॉक्टर आए। अब चंबल कितनी उतर गई है नीचे, कुछ राहत है आपके गाँव को? अब थोड़ी सी उतर गई है, बताओ। अब तो अमन गया था नान के। तो अभी आप खुश हैं कलेक्टर मैडम के से? आपको प्रशासन ने ये मदद मुहैया कराई है, आप खुश हैं? अब खुश हैं। और जो बाबा बैठे हैं, बाबा का मंदिर डूब गया तो बाबा घर रखेंगे आए। सुरक्षित रात गृह या इस केंद्र बने हुए छोटे छोटे, वहाँ पर पहुँचा कर उनको चिकित्सा सुविधा खाद्यान्न सब चीज़ पहुँचाई जा सकती। सर, रेस्क्यू के दौरान हम लोग जो NDRF टीम है, किस तरह की कुछ समस्याओं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसमें क्या क्या परेशानी आ रही है? पहली परेशानी ये आ रही है कि जैसे ही रेस्क्यू बोट जाती है तो वहाँ पर लोग चाहते हैं कि हम एक साथ ही चल जाएँगे, तो उनको चाहिए क्रमबद्ध रूप से जाएँ। तो ये सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लोग आते हैं तो एक साथ जाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ हम
हमला ऐसा है जो नहीं आना चाहता, वो कहता था हमें मालूम है बाढ़ आती है चली जाती है, तो वो भी ध्यान देने की बात है कि इस प्रकार की वो हट ना करें कि हम नहीं निकलेंगे, क्योंकि प्रशासन यदि आकलन कर लेता है कि यहाँ पर जलस्तर बढ़ेगा तो मान लेना चाहिए कि जलस्तर बढ़ेगा, और मान लीजिए बढ़ गया वो जलस्तर तो ऐसी स्थिति में वो फिर किसको याद करेंगे। तो प्रशासन की बात जो है अभी खुली रहती है, पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही वो प्रशासन से बात करती है कि अभी पीछे पानी छोड़ा गया है तो इतने इतने घंटे में यहाँ पानी आ जाएगा और उसका स्तर उसका लेवल इतना हो जाएगा जिससे कि उनका जीवन संकटापन्न हो सकता है। मैम, चंबल की बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया और अभी वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है? वर्तमान स्थिति अभी धीरे धीरे सामान्य की ओर जा रहा है, लेकिन ये 96 के बाद का जो है सबसे भीषण बाढ़ थी और जिसमें जो है पानी का स्तर जो है 144 लेवल तक पहुंच गया था, और इसमें जो है बहुत सारा एरिया प्रभावित हुआ है, बहुत सारा पॉपुलेशन प्रभावित हुआ है। हम लोगों ने रेस्क्यू जो लोगों को किया है, करीब करीब 5000 लोगों को रेस्क्यू किया है। हमारे अलग 15 शेल्टर कैंप्स चल रहे हैं जहाँ पर लोग बाग जो है भोजन कर रहे हैं, रुके हुए हैं। कल रात से पानी धीरे धीरे उतरने की वजह से अभी आवागमन जो है शुरू होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कीचड़ है और ट्रैक्टर के माध्यम से ही जो है लोग बाग जा पा रहे हैं। 3-4 अभी भी हमारे ऐसे पॉकेट्स हैं पोरसा के और जौरा के जो पानी से घिरा हुआ है, लेकिन उन तक जो है हम सारे आवश्यक सामान वगैरह जो है पहुँचा चुके हैं। क्या राहत सामग्री दी जा रही है? खाद्य सामग्री की बड़ी समस्या है, कैसे पहुँचाई जा रही है वहाँ तक? खाद्य सामग्री जो है 3 प्रकार से दी जा रही है। नंबर 1 जो है जो ड्राई फूड है, बिस्किट हुआ, चूड़ा हुआ, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हुआ, ये पहुंचाया जा रहा है। दूसरा चीज़ है जो भोजन बना के पूरी सब्जी वगैरह जो है हॉट कुक्ड मील्स भी बोनाओं के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। और जो ऐसे जगह है जैसे मैंने बताया मऊ खेरा हो गया, नत्थी सिंह का पूरा हो गया, जो बिल्कुल टापू बना हुआ है, घिरा हुआ है, सुगदान का पूरा हुआ, इन जगह पर जो है हम पर्याप्त मात्रा में जो है आटा, चीनी, चावल, दाल, रिफाइंड ऑयल, आलू एट्सेट्रा जो है हम पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर्स की टीम, मेडिकल डॉक्टर्स की टीम, पूरा फर्स्ट एड के साथ पीएचई की टीम, ताकि पानी के शुद्धिकरण के बारे में लोगों को बताएं, जो जर्मेक्स सॉल्यूशन है उसको पानी में मिला के उसके बाद ही पिए, क्योंकि गंदा पानी पिएंगे तो फिर डिजीजेस का संभावना रहता है। और वेटनरी की टीम जो है डॉक्टर्स को जो है हम नाव में बिठा के भेज रहे हैं। कल मऊ खेरा में हमारे साथ एक लेडी डॉक्टर भी थी जिन्होंने जाके वहाँ पर जो है जाँच किया और लोगों को जो है राहत हम पहुंचा रहे हैं। कितने दल इसके लिए बनाए गए हैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, वेटनरी टीकाकरण के लिए? प्रत्येक टीम गांव पे, हमारे 27 गांव प्रभावित है तो 27 गांव पे जो है 27 टीम काम कर रही है। इसके अलावा रिजर्व में 3-3 अधिक टीम रखी गई है और सर्वे की टीम अलग बनाई गई है। तो एक है जो राहत कार्य कर रहे हैं, दूसरा जो है जो नुकसानी है उसका सर्वे कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो TV1 इंडिया न्यूज के लिए राधा कृष्ण सिंघल की रिपोर्ट, मुरैना, मध्य प्रदेश। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं एवं 12वीं पास करें भंवर सेन हायर सेकेंडरी ओपन स्कूल। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा पास करने हेतु ओपन बोर्ड से फॉर्म भराए जा रहे हैं। संपर्क करें 9826521245, 9926581330। प्रवेश केंद्र बागेल पेट्रोल पंप के पास, रोटी बैरन, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश।